हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनीता मैथमेटिक्स क्लासेस। माय नेम इज़ अनीता यादव। देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने इससे पहले वीडियो में फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स किया था, डिविजिबिलिटी रूल्स भी देखे थे हमने। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार उसे देख लीजिए ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएँ। आइए फैक्टर्स और मल्टीपल्स की आगे की एक्सरसाइजेस करते हैं हम। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग बाय द फैक्टर ट्री मेथड। देखिए इसमें हम समझते हैं व्हाट इज फैक्टर ट्री मेथड, हमारा फैक्टर ट्री मेथड क्या है। देखिए इसमें हमारे पास जैसे ये नंबर है 24, इसको हमें फैक्टर निकालना है फैक्टर ट्री मेथड से। तो आप क्या करेंगे, इसमें ऐसे हमारा ट्री की तरह ब्रांचेज जैसी होती है, ऐसे हम लिख देते हैं इसको। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये 24 है, दैट मीन्स इवन नंबर है, तो ये क्या होगा हमारा 2 से डिवाइड होगा। तो इसे हम देखिए 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये क्या लिखेंगे, देखिए 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करने पे 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 1 जा 2, और ये यहाँ पे 4 2 2 जा 4, दैट मीन्स क्या आएगा 12 आएगा हमारे पास। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 12। अब देखिए 2 हमारा प्राइम नंबर है, इसके तो फैक्टर्स बन नहीं सकते हैं, अब 12 के फैक्टर बनाएंगे हम। 12 को फिर इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, और 6 के फैक्टर बनाएंगे तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6। इसमें देखिए जो हमारा लास्ट में बचना चाहिए ना, वो प्राइम नंबर्स ही आने चाहिए। देखिए ये भी हमारा प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। तो अब हम देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया हमने इसका इस मेथड से। तो देखिए अब इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 24 के जो फैक्टर्स हैं वो हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। जो देखिए ये हमारे पास नंबर्स हैं, हम इनको लिख लेंगे, ये जो नंबर है ये जो बचा ये हमारा क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टर के नंबर हो जाएंगे, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन है 35। तो देखिए 35 का कैसे बनाएंगे फैक्टर ट्री मेथड, 35 देखिए 2 से ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 की टेबल में 35 नहीं आता, 5 है लास्ट में। तो देखिए 5 जब आए तो आप ध्यान में रखना यूनिट डिजिट में कि वो 5 से ही डिवाइड होगा, 5 या 0 आए तो। तो अब देखिए 5 7 जा 35 हो गया। अब देखिए ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर, जब हमें दो प्राइम नंबर मिल जाते हैं तो हम वहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे, दैट मीन्स 35 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 7, ये हमारा इसका प्राइम फैक्टर है। अब देखिए 75 का निकालते हैं, 75 का देखिए 5 आया अगेन, तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे 5, और 5 को डिवाइड करेंगे 75 से तो ये आएगा 5 1 जा 5, 5 2 रिमाइंडर बचा 25, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो और ये हो जाएगा 5 5 जा 25, तो यहाँ से क्या मिल गया हमें 15। अब देखिए 15 किसका फैक्टर होता है, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा 15, दैट मीन्स 3 और ये आ जाएगा 5, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए तीनों हमें क्या मिल गए, ये अब प्राइम फैक्टर हो गया, दैट मीन्स अब इसका प्राइम नंबर्स आ गए। अब नहीं होगा तो 75 का क्या हो जाएगा हमारे पास, 75 का प्राइम फैक्टर होगा 3 इंटू 5 इंटू 5, देखिए 3 स्मॉलेस्ट है, इसे पहले लिखेंगे पहले और फिर 5 और ग्रेटर, ऐसे लिखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इस नंबर को ये नंबर और ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। इसी तरीके से देखिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम। इसमें 91 किससे डिवाइड है, देखिए ये 3 से 2 से भी डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 5 6 ये होगा 7 से डिवाइड, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 7 से 91 को डिवाइड कीजिए तो ये आएगा 7 1 जा 7 और 2 21, 7 3 जा 21, तो ये क्या आ जाएगा देखिए 13। अब देखिए यहाँ पे 7 भी प्राइम नंबर है और 13 भी प्राइम नंबर है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा हमारा, प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे। तो देखिए इसमें हम क्या, इसका 91 का क्या हो जाएगा हमारे पास, 91 का फैक्टर्स हो जाएंगे 7 इंटू 13, ये इस तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, इसके
प्राइम फैक्टर्स निकाल देंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट फैक्टर ट्री फॉर। अब देखिए फैक्टर ट्रीज बनाने हमें, अभी जैसे हमने किया था 36 का निकालेंगे, इवन नंबर है तो ये क्या हो जाएगा 2, और फिर डिवाइड करेंगे 36 को 2 से, 2 1 जा 2, 1 बचेगा 6, 2 8 जा 16, तो ये कैंसिल। तो यहाँ क्या, अब इसको करेंगे फैक्टर, ये इवन नंबर है तो ये हो जाएगा 2 9 जा 18, फिर इसके करेंगे तो ये आ जाएगा 3 से होगा डिवाइड, 3 3 जा 9, तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, ये वाले नंबर्स को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 36 का क्या हो जाएगा 2 into 2 into 3 into 3, इस तरीके से हम कर लेंगे। देखिए ये क्वेश्चन हमने कर लिया। अब देखिए फैक्टर ट्री बनाना अब आपको आ गया, काफ़ी एग्जांपल्स कर लिए। तो ये जो है बी सी डी, ये तीन क्वेश्चन आपके DIY मतलब डू इट योर सेल्फ है। आप इसके प्राइम फैक्टर बना के और फिर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि आपका आंसर क्या आया। ये आपका डाई क्वेश्चन है, आपको खुद करना है ये क्वेश्चन, और इसके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देने हैं कि इसका आंसर क्या आया। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं हम, फाइंड द एच सी एफ यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड। देखिए इसका हमें एच सी एफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड। तो देखिए सबसे पहले हम सीखते हैं वॉट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड। तो देखिए यहाँ हमें दो नंबर दिया हुआ है 16 and 80, इसको हम सेपरेटली इस तरीके से फैक्टर बनाते हैं, दो अलग अलग फैक्टर बनाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16, फिर ये 2 से डिवाइड होगा 2 4 जा 8, फिर ये 2 से डिवाइड होगा 2 2 जा 4, फिर ये डिवाइड होगा 2 1 जा 2। जब ये 1 आ जाएगा तो हमारा फिनिश हो जाएगा ये क्वेश्चन। फिर ये देखिए 80 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा ये आएगा 40, फिर ये 2 से डिवाइड करेंगे ये आएगा 20। देखिए आपको इसे डिवाइड करके देखना है, आप 2 से डिवाइड करेंगे 80 को तो ये आएगा 2 4 जा 8, और ये 0 हमने यूज नहीं किया तो एज इट इज़ आ जाएगा ये, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 40। इसी तरीके से आपको क्या करना है, 40 को डिवाइड करना है 2 से तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, और 0 हमने यूज़ नहीं किया तो ये आ जाएगा यहाँ पे 20। इसी तरीके से 2 को करेंगे 2 10 जा 20, फिर ये 2 से होगा तो इसकी वैल्यू 5 आएगी, फिर ये 5 से करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो देखिए अब हमारे फैक्टर क्या निकला, हमारा 16 का फैक्टर निकला, जो ये फैक्टर्स निकले हैं हम इनको लिख लेंगे। ये हो जाएगा 2 into 2 into 2 into 2, ठीक है ये हो गया। फिर 80 का क्या हो जाएगा, 80 का फैक्टर होगा हमारे पास 2 into 2 into 2 into 2 into 5, देखिए ये हमारा हो जाएगा इसमें इसके फैक्टर। तो देखिए अब हमसे फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला है, HCF। HCF का मीनिंग होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है हमारे पास। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इनमें से चूज करेंगे, ये हम निकालेंगे इसका, ये 2 कॉमन है दोनों में, फिर ये भी 2 कॉमन है इसमें, फिर ये 2 कॉमन है इसमें, ये 2 कॉमन है इसमें, ठीक है। तो देखिए अब ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें 2 into 2 into 2 into 2, दैट मीन्स ये हो जाएगा 4 और 4 4 जा 16, दैट मीन्स इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, HCF = 16, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं 25 and 175, इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए 25 का करेंगे, 5 आ रहा है मैंने आपको बताया, 5 के लिए क्या करना है आपको, 5 से डिवाइड करना है, 5 5 जा 25 5 1 जा 5। अब ये है 75, तो इसका फैक्टर करेंगे। तो देखिए 5 से मैंने बताया आपको लास्ट में 5 है तो आपको 5 से डिवाइड करना है, 75 को 5 से डिवाइड करेंगे तो
तो ये आएगा 5 1 जा 5, 2 बचेगा 5 5 जा 25, दैट मीन्स क्या आ गया हमारे पास 15। तो यहाँ क्या आ जाएगा 15 अपॉन में ये किससे डिवाइड होगा, देखिए 3 से डिवाइड होगा, तो इसे लिखेंगे 3 5 जा 15 और ये हो जाएगा 5 1 जा 5। तो देखिए अब फैक्टर्स क्या आ गए हमारे पास, ये हो गया 25 के फैक्टर्स आ गए हमारे पास 5 इंटू 5, और 75 का फैक्टर क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 3 इंटू 5 इंटू 5। तो देखिए कॉमन क्या है हमारे पास, ये 5 कॉमन है और इसमें ये क्या कॉमन है, ये 5 कॉमन है, दैट मीन्स हमारे पास कॉमन HCF क्या हो गया इसका, ये हो गया 5 इंटू 5 विच इज़ 25। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा हमारे पास। इसी तरीके से देखिए आगे के क्वेश्चंस भी इसी तरीके से फैक्टर बना के होंगे आपको। अब देखिए एक हम F क्वेश्चन और करते हैं, F हमारा 3 दिया हुआ है फैक्टर्स, तो देखिए अब क्या करेंगे, एक क्वेश्चन इसको करते हैं हम, ठीक है। ये हमारा देखिए अब यहाँ पे हमें ये दिया हुआ है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन 160 182 ये हो जाएगा, इसे सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्या होगा, इवन नंबर है, दैट मीन्स 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 8 जा 16, 0 डिवाइड करके देख लीजिएगा इसे, फिर ये हो जाएगा 2 से 80 को करेंगे तो 2 4 जा 8 ये हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 20, फिर इसमें हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 10 और ये हो जाएगा 2 5 जा 10 और यहाँ पे हो जाएगा 5 1 जा 5। इसी तरीके से 182 का निकालेंगे, ये भी देखिए इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 182 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 2 9 जा 18 और 2 ये 0 0, यहाँ पे 2 लेंगे हम नीचे तो ये क्या आ जाएगा 2 1 जा 2। तो यहाँ क्या आ गया 91। अब ये किससे डिवाइड हुआ था हमारा, 7 से, ठीक है, तो 7 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 13 और ये हो जाएगा 13 1 जा 13। इसी तरीके से देखिए हम इसका करेंगे 96 का, ये होगा 2, 96 को डिवाइड करते हैं 2 से, 96 को डिवाइड किया 2 से, 2 4 जा ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 1 रिमाइंडर और 6 एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2 8 जा 16, तो क्या आ गया हमारे पास 48। इसी तरीके से फिर अगेन इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 24, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे ये आएगा 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 6 जा 12 और ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और ये 3 1 जा 3। तो देखिए अब ये तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, अब इसे लिखते हैं। 160 के फैक्टर क्या हुए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 और ये यहाँ पे हमारा 182 के फैक्टर हुए 2 इंटू 7 इंटू 13 और यहाँ पे 96 का फैक्टर हुआ हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखिए इनमें से पहले जैसे हमने 2 में से निकाला था, अब यहाँ पे 3 है तो हम तीनों में जो कॉमन है वो निकालेंगे, ठीक है, तीनों में जो कॉमन है वो करेंगे। तो देखिए तीनों में कॉमन हमारे पास 2 आ गया, अब यहाँ पे इसमें 2 है, इसमें 2 है, लेकिन इस नंबर में हमारे पास 2 नहीं है, तो दैट मीन्स इसमें कॉमन क्या आएगा 2। तो HCF ऑफ 160 182 एंड 96 इक्वल्स टू 2, इसका HCF क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। तो देखिए अब ये क्वेश्चंस हो गए हैं, अब ये जो बाकी का सी डी और ई पार्ट है ये आपका DIY क्वेश्चन है, ठीक है, डू इट योर सेल्फ, आपको ये अपने आप करना है और इसका आंसर जो है कि इसका आंसर HCF क्या निकला आपका वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि आपका आंसर क्या निकला। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द HCF बाय डिवीजन मेथड, हमें डिवीजन मेथड से इसका HCF निकालना है। तो देखिए डिवीजन मेथड क्या होता है, डिवीजन मेथड में हम क्या करेंगे,
ये हमारा 80 है, ये 100 है, दोनों में से जो छोटा नंबर होगा वो हम डिवाइड के डिवाइजर लिखेंगे और डिवाइडेंड जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 100। ठीक है, अब इसे डिवाइड करते हैं, 81 जा 80 आया हमारा। ठीक है, डिवाइड करेंगे फिर ये आ जाएगा हमारे पास 2 एंड 0। ठीक है, अब जो रिमाइंडर आता है, अब हमें इसे दोबारा डिवाइड नहीं करना है, अब हम इसको दोबारा से ऐसे लिखेंगे, ये 20 हमारा जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर बन जाएगा और जो यहाँ डिवाइजर था वो हमारा क्या बन जाएगा, रिमाइंडर बन जाएगा। तो देखिए ये जो 80 है हमारा, इस 80 को ही हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे। ठीक है, 80 हमारा यहाँ हो गया, तो देखिए अब ये 80 यहाँ लिख दिया हमने, अब इसे सॉल्व करते हैं, 24 जा 80, ये प्रॉपर डिवाइड हो गया हमारा। जहाँ ये प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा उसका जो हमारा डिवाइजर आएगा विच इज़ अवर HCF, ये क्या हो जाएगा हमारा HCF हो जाएगा, ये HCF की वैल्यू है। ठीक है, तो इसका डिवाइजर ये इसका क्या हो जाएगा, HCF 20 हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास देखिए 105 और 315 में हमारा क्या छोटा है, 105, तो 105 को बाहर लिखेंगे और 315 को अंदर लिखेंगे। अब देखिए 105 की टेबल बनाते हैं, तो 105 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 10 एंड 2 210, 315 से छोटा है। अब 105 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा हमारा, 3 से मल्टीप्लाई करने पे 15 और ये हो जाएगा 315। तो देखिए यहाँ हमारा 3 टाइम्स चला गया, ये आया 315, प्रॉपर डिवाइड हो गया यहीं पर ही, तो दैट मीन्स इसका HCF क्या हो जाएगा हमारा 115, इसका HCF आ जाएगा 105, इसका HCF आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में। देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं, यहाँ पे 630 है एंड 435, तो दोनों में से छोटा क्या है हमारा, 435। ठीक है, इसको हम लिखेंगे 630 और देखिए इसकी टेबल बनाते हैं, 435 1 जा 435 एंड 435 टू जा मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए ये क्या आ जाएगा, 10 और ये 3 2 जा 6 और 7 और ये 4 2 जा 8, ये बड़ा आ गया इससे, तो हमें क्या लेना है, 1 टाइम्स लेना है, तो हम लेंगे 435 और इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 5 9 एंड 1 195। अब इसे क्या करते हैं, इसे अंदर लिखते हैं और ये हमारा बाहर हो जाएगा। अब ये जो हमारा आया, देखिए ये जो डिवाइजर था दैट मीन्स 435 जो था उसे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 435, यहाँ लिखा हमने। अब देखिए 195 की टेबल बनाते हैं, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 5 2 जा 10, 9 2 जा 18 और 1 कैरी 19 एंड 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा हमारे पास 20, इससे छोटा है हमारा। तो अब देखिए हम इसका करेंगे 195 इंटू 3, 5 3 3 5 जा 15, 1 कैरी 27 एंड 28, 2 कैरी 3 1 जा 3 और ये 25, ये बड़ा हो गया, दैट मीन्स हम क्या लेंगे, 2 टाइम्स लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 390, इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 5 एंड ये 445 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमारा ये 95 है, देखिए जो ये 95 है हम इसको लेंगे 195, तो ये क्या हो जाएगा 195 यहाँ आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, देखिए 45 की टेबल बनाते हैं तो 45 टू जा 90 और 3 जा 135 हो जाएगा और 4 जा ये हो जाएगा हमारा, नहीं 3 जा क्या हो जाएगा हमारे पास 5 एंड 30, फिर ये हो जाएगा 180 और फिर ये हो जाएगा हमारा 225, ये हो जाएगा। देखिए तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ये 180, ये 180 छोटा है दैट मीन्स 4 टाइम, तो ये आ जाएगा 180 अपॉन में 15, तो देखिए 15 को अब क्या करेंगे, 45 को हम लेंगे, यहाँ पे 45 ले लिया हमने, तो देखिए 15
3 जा 45, ये हमारा डिवाइड हो गया इससे प्रॉपर, दैट मीन्स 15 क्या हो जाएगा हमारा, एच सी एफ हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, एच सी एफ ऑफ दिस इज इक्वल्स टू 15। ये हमारा देखिए डिवीजन मेथड है जिसे हमें इस तरीके से अप्लाई करना है। अब देखिए बाकी के क्वेश्चन जो हैं, अब ये 2 तक हो गया, एक हम F समझते हैं, F हमारे पास 3 डिजिट है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं कि कैसे ने हमारे पास, तो अब हम क्या करेंगे, ये दोनों नंबर हमारे पास छोटे हैं तो सबसे पहले हम इनको लेते हैं, ये है 770 और ये है हमारे पास 154। तो देखिए हम क्या करेंगे, 7154 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, इसकी टेबल बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10 और 2 1 जा 2 और ये 3, ये अभी बहुत छोटा है तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 154 इंटू 3 से। तो देखिए इसको 3 से नहीं 5 से करते हैं हम मल्टीप्लाई, तो देखिए क्या आएगा, 5 4 जा ये आ जाएगा हमारे पास 20, 2 कैरी हो जाएगी, 5 5 जा 25 और ये हो जाएगा 27 और 5 1 जा 5। देखिए ये हमारा 5 टाइम क्या आ गया, 770। तो दैट मीन्स ये क्या है, इसमें 154 इसका LCF हो जाएगा, लेकिन अभी हमारे पास तीसरा नंबर बाकी है। तो देखिए हम क्या करेंगे, जो हमारा इन दोनों का HCF आएगा उससे हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 924 हो गया, तो इससे LCM निकालेंगे। देखिए यहाँ तक हम 5 तक 154 की टेबल 5 तक कर की थी हमने, तो अब ये हम 6 से करेंगे, ये क्या हो जाएगा 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 5 जा 30 और 32, 2 आ जाएगा और 3 कैरी, 6 1 जा 6 और 3 9। दैट मीन देखो ये 6 टाइम चला गया, तो ये यहाँ पे आ गया 924। तो अब देखिए इसका भी HCF क्या आया, प्रॉपर डिवाइड हो गया, दैट मीन्स इसमें भी हमारा क्या आया 154, तो ये क्या हो जाएगा इसका HCF हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा 154, ये इसका HCF आ जाएगा। देखिए इस तरीके से आपका जो 3 डिजिट का नंबर है, आपको पहले जो छोटे वाले दोनों नंबर हैं उनको डिवाइड करना है, और ये जो छोटे दोनों नंबर हैं इनको डिवाइड करके डिवीजन मेथड से, और फिर जो उसका HCF आएगा उससे थर्ड नंबर को डिवाइड करना है, उससे हमारा वेरिफिकेशन हो जाएगा कि इसका HCF क्या आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, आप जो इसमें क्वेश्चन नंबर डी जो है, डी एंड ई, ये आपका DIY क्वेश्चन है, डू इट योरसेल्फ आपको करना है, और इसका आंसर जो है आपको वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इसका आंसर आपने क्या निकाला। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। देखिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए LCM का मीनिंग क्या होता है, LCM जो होता है वो हमारे पास होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, ये हमारा होता है LCM। तो देखिए हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं 15 का, जैसे देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने HCF में आपको बताया कि प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 15 का करेंगे, फिर ये 30 का करेंगे। तो देखिए 15 ऑड नंबर है, 3 से डिविजिबल होता है ये, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, ये 30 ऑड इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड होगा ही होगा, ये आ गया 15, ये 3 5 जा 15 और ये 5 1 जा 5। तो देखिए अब 15 और 30 के फैक्टर क्या निकले हमारे पास, ये निकला 3 इंटू 5, ये निकला 2 इंटू 3 इंटू 5। अब देखिए हमें क्या निकालना है इसमें कि जो कॉमन आए, तो देखिए कॉमन क्या हो गया हमारा, ये कॉमन आया हमारे पास, ठीक है, फिर इन दोनों में ये कॉमन आया, तो इसे हम क्या करेंगे यहाँ पे एक बार लिखेंगे, ठीक है, LCM ऑफ 15 एंड 30 इज 3 इंटू 5, हमने एक बार लिख दिया। अब जो बाकी के नंबर बच गए, बाकी क्या बचा हमारा 2, तो इसे भी हम लिख देंगे ऐसे, ठीक है, HCF में हम इसे नहीं लिखते थे लेकिन LCM में हम इसे लिख देंगे। तो देखो अब ये क्या हो जाएगा, 15
फाइव थ्री जा 15 एंड 15 टू जा 30, दैट मीन्स एल सी एम ऑफ दिस इक्वल्स टू 30, ये क्या हो जाएगा हमारा एल सी एम हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए हम निकालते हैं 30, 60 एंड 72, तो यहाँ पे थ्री नंबर्स हैं हमारे पास, तो ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा हमारे पास 60 और ये हो जाएगा हमारा 72। तो देखो अब इसे क्या करेंगे हम, ये हो जाएगा हमारे पास इवन नंबर है 2 से, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और ये हो जाएगा हमारा फिर 2 से 2 9 जा 18 और ये हो जाएगा 3 3 जा 9 एंड ये हो जाएगा 3 1 जा 3। आप इसे डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पे देखिए इवन नंबर है तो इसको डिवाइड करेंगे हम 60 को, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और 0 यूज़ नहीं हुआ है तो 0 एज इट इज़ लग जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 30 हमारे पास, इसका हमने अभी किया तो ये हो जाएगा 2 15 और ये हो जाएगा 3 5 जा 15 और ये 5 1 जा 5। इसी तरीके से 72 का 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 2 3 जा 6 एंड 1 2 2 6 जा 12। अब देखो ये आ गया 36, तो अब 36 का तो हमने प्राइम फैक्टर यहाँ पे किया है तो ये जाएगा 2 से 18, ये हो जाएगा 2 से, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो देखो ये हमारे क्या आ गए फैक्टर्स आ गए, तो अब हम इनके फैक्टर्स लिख लेते हैं। देखो ये हो जाएगा 36 के फैक्टर क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गया हमारा 60 का फैक्टर, तो ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 और यहाँ पे इसका हो गया हमारे पास 72 के फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो देखो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें पहले कॉमन निकालेंगे, तो देखो कॉमन क्या हो गया, ये 2 हमारा कॉमन है, ठीक है, ये 2 हमारा कॉमन है, जो तीनों में कॉमन आएगा, अगर 2 दिया होगा तो 2 में कॉमन लेंगे, 3 डिजिट दी हुई है तो तीनों में कॉमन लेंगे। अब देखो ये 2 बच गया यहाँ पे, फिर अब 3 की बारी आई, ये 3 आ गया कॉमन, अब देखो ये 5 यहाँ है बाकी 2 में नहीं है, 3 दोनों में है यहाँ पे नहीं है, तो ये कॉमन नहीं आएगा, तो जो कॉमन आ गया हम उसे लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखो यहाँ क्या बचा, ये हमारा बच गया यहाँ पे, देखो ये 2 बच गया हमारा यहाँ पे, तो इसे लिख लेते हैं इंटू 2, ये हमारा 5 बच गया तो इसे लिख लेते हैं इंटू 5 और ये हमारे दोनों 3 बच गए तो ये हो जाएंगे हमारे 3 इंटू 3। अब देखो इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4 4 3 जा 12, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 12 इंटू 90, दैट मीन्स 1080, ये क्या आ जाएगा हमारा इसका आंसर आ जाएगा, दैट मीन्स LCM क्या हो जाएगा हमारा 1080 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से देखिए आप बाकी के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, ये आपका B D E और F, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, मतलब डू इट योर सेल्फ है, आपको इसे करना है और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताना है कि आपका आंसर क्या आया, ठीक है। तो देखिए आगे हम करते हैं, आगे नेक्स्ट है हमारे पास, आगे नेक्स्ट है फाइंड द एलसीएम ऑफ द नंबर बाय डिवीजन मेथड। देखिए ये हमें निकालना है डिवीजन मेथड से, इसका एलसीएम निकालना है, तो देखो एलसीएम निकालते हैं, डिवीजन मेथड क्या होगा हमारा, देखो ये हमारा इस तरीके से, ये हो जाएगा 48 एंड 64, इसे हम डिवाइड करेंगे, तो देखो ये एक साथ लेंगे हम इसमें, तो इसे डिवाइड करते हैं तो ये क्या होगा, 2 से डिवाइड करेंगे 48 डिवाइड हो जाएगा ये 24 आएगा, 64 आएगा 32। इसी तरीके से जो ये आया हमारे पास दोबारा 2 से, दोनों इवन नंबर है तो ये हो जाएगा 2 से, ये आ जाएगा 12 और ये हो जाएगा 16, फिर 2 से करेंगे तो ये आएगा 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ये 2 से करेंगे तो ये आएगा 2 2 जा 4, 3 एज इट इज़ होगा क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, फिर हम क्या करेंगे
टू को करेंगे, टू वन जा टू, थ्री एज इट इज रहेगा और ये क्या हो जाएगा, थ्री वन जा थ्री। लास्ट में देखिए हमारा वन वन आना चाहिए, तब ये क्या हो जाएगा, हमारा कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन। तो देखिए अब इसका एलसीएम क्या हो गया हमारा, एलसीएम ऑफ 48 एंड 64 विच इज़ ये हो जाएगा हमारे पास 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into ये हो जाएगा हमारे पास 3 and 3 6, ये 2 into 2 into 3। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 2 6 6 2 12 12 2 24 24 2 48 48 2 96 96 into 2 हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2 and 202। ठीक है, नहीं ये हो जाएगा 192। क्या हो जाएगा ये हमारा 96 into 2, देखिए 6 2 12 9 2 18 और ये 19, दैट मीन्स 192 क्या आ जाएगा इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हम एफ क्वेश्चन करते हैं। ये क्या है, इसका भी हमें डिवीजन मेथड से निकालना है। तो ये हो जाएगा 44 126 198। तो देखो 2 से डिवाइड करते हैं, ये आ जाएगा 22, 2 6 जा 12 2 3 जा 6 और ये हो जाएगा 2 9 जा 18 2 9 जा 18। फिर 2 से करेंगे तो ये आएगा 11, ये डिवाइड नहीं होंगे, ये एज इट इज़ हो जाएंगे। फिर देखो 3 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे देखिए आपको नंबर क्या लेके चलना है, जो आप ये नंबर लेके चलेंगे ये यहाँ पे प्राइम नंबर होने चाहिए। दैट मीन्स पहले 2 से देखेंगे, फिर 3 से देखेंगे, फिर 5, फिर 7, फिर हमारा 11, फिर 13। इससे देखते हैं डिवाइड करके, इससे डिवाइड होता है या नहीं। तो आपको यहाँ पे प्राइम नंबर्स ही लेने हैं। तो ये हो जाएगा 11 एज इट इज़, ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और फिर 3 से अगेन डिवाइड हो जाएगा, ये हमारा 3 7 जा 21, ये हो जाएगा 3 1 जा 3, यहाँ पे ये आ जाएगा 7 और ये हो जाएगा 1, ये 11, यहाँ पे 11 और ये हो जाएगा 11 से 1 1 1, हमारा 1 1 आ गया। दैट मीन्स एलसीएम ऑफ ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एलसीएम ऑफ 42 126 एंड 198 इज 2 into 2 into 3 into 3 into 7 into 11। ये हो गया हमारे पास, देखिए हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9, 9 4 जा 36 और ये हो जाएगा हमारा 77। तो देखिए इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2772। इसे मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा ये क्या आ जाएगा हमारा, इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए आगे नेक्स्ट करते हैं हम, देखिए यहाँ पे अब ये जो बाकी के क्वेश्चन हैं ये भी इसी तरीके से कर लीजिएगा आप। ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है, डू इट योर सेल्फ के हैं, इसका आंसर निकालिए और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए कि आपका आंसर क्या आया। तो आगे चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एचसीएफ, द एचसीएफ और एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 126 एंड 2520। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन जहाँ पे आपको एलसीएम गिवन हो, एचसीएफ गिवन हो, ठीक है, और आपको एक नंबर गिवन हो, तो देखिए हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला जो होता है वो आपको लर्न करना है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। देखिए ये आपका इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। अब आपको क्या, देखिए एलसीएम गिवन है, एचसीएफ गिवन है,
तो देखिए हम सपोज करते हैं कि लेट जो हमारा नंबर है वो क्या है, अगर आपको यहाँ पे अदर नंबर फाइंड करना है तो अदर नंबर के लिए आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए वो बनेगा HCF इंटू LCM अपॉन में जो हमको वन नंबर गिवन है वो हमारा आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे HCF कितना है 126, LCM कितना है 2520 और वन नंबर क्या गिवन है हमें 504। तो आप क्या करेंगे, आप इसे कट कर लीजिए। देखिए ये 2 से कट हो जाएगा, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 26 जा 12, 23 जा 6 और ये 2 से कट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 22 जा 4, 25 जा 10, 27 जा 14, ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए ये इसको कट करते हैं हम, ये हमारा किससे कट हो जाएगा, ये 22 जा 4 होएगा। देखिए ये 22 जा 4 होगा तो अब ये अगेन किससे कट हो जाएगा, देखिए 2 से कट हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 21 जा 2, 22 जा 4, 26 जा 12 एंड दिस बिकम 0, ये हो जाएगा हमारे पास 21 जा 2, 22 जा 4, 26 जा 12। तो देखिए इसे हम कट कर देंगे, ये हमारा 10 टाइम कट हो जाएगा, दैट मीन्स जो हमारा नंबर आ जाएगा वो आ जाएगा 63 इंटू 10, दैट मीन्स 630। ये क्या हो जाएगा हमारे पास अदर नंबर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कट करने के लिए आपको ध्यान में रखना है कि जिस नंबर से आप न्यूमिनेटर में कट करेंगे उसी नंबर से आपको डिनोमिनेटर में कट करना है, सेम नंबर होना चाहिए कट करने के लिए और ये जो है हमारा आंसर आ जाएगा। कट कर आपको कट करना अगर नहीं आता है तो आप इसे क्या कीजिए, जैसे हमने 2 को कट किया 504 से तो आप इसे डिवाइड करके देख लीजिए, 22 जा 4 ये आ जाएगा हमारे पास 1, 25 जा 10 ये हो जाएगा 10 और फिर हमने यहाँ से 4 लिया तो ये हो जाएगा 22 जा 4, तो क्या आया था हमारा आंसर 552। तो इसे हम यहाँ पे लिख देंगे। इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई करके और सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखिए आगे के जो क्वेश्चन है हमारे पास वो भी इसी मेथड से हैं, आपको यही दिया हुआ है। देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स गिवन है हमारे पास, एलसीएम गिवन है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो देखिए एचसीएफ के लिए आपके पास एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है हमारे पास, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसके लिए हमारा फॉर्मूला बन जाएगा एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन में एलसीएम, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या गिवन है, 360 गिवन है हमारे पास और एलसीएम कितना है हमारे पास 60, 0 से 0 कैंसिल, 6 जा 36, दैट मीन्स इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 6। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास इसी मेथड से है, देखिए सारे क्वेश्चन। अब आपको एलसीएम एचसीएफ गिवन है, अदर नंबर निकालना है, तो अदर नंबर के लिए हमने आपको बताया अदर नंबर के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन में फर्स्ट नंबर, ठीक है, जो वन नंबर हमारे पास था वो पुट करना है। तो एलसीएम गिवन है आपको 216, एचसीएफ गिवन है 6 और ये आ जाएगा 54। तो देखिए कट कर दीजिए, 61 जा 6, 69 जा 54, ठीक है, और ये 9 से कट हो जाएगा, 9 से कट हो जाएगा, 92 जा 18 एंड 94 जा 36, तो ये हो जाएगा हमारे पास 24, इसका क्या आ जाएगा अदर नंबर आ जाएगा हमारे पास, ये क्या हो जाएगा हमारे पास अदर नंबर हो जाएगा इसका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये भी इसी तरीके का है, देखिए एचसीएफ निकालना है तो आप इसे निकाल सकते हैं, निकाल लीजिएगा। देखिए हमारे पास एचसीएफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमें गिवन है 4800 एंड एलसीएम गिवन है 240, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसे हम 4 से कट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 41 जा 4, 42 जा 8,
देखिए 4 से कट करेंगे ये आ जाएगा 120, 4 6 जा ये हो जाएगा 24, फिर 6 से कट करेंगे 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा 20 HCF, इसका HCF क्या आ जाएगा हमारे पास 20 आ जाएगा। तो देखिए इस तरीके से आप इसको कट करके सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, फाइंड द, ये आपको LCM गिवन है, HCF गिवन है, टू नंबर्स हमारे पास इफ द वन नंबर। तो देखिए ये क्वेश्चन तो हमने अभी किया था, अदर नंबर कैसे फाइंड करेंगे हम इसका, अदर नंबर फाइंड करने के लिए LCM इंटू HCF अपॉन में वन नंबर, जो वन नंबर हो जाएगा हमारे पास, तो LCM कितना है 38 इंटू 798 और ये हो जाएगा 140। तो देखिए ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, तो 38 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 19 टू जा 38 और ये हो जाएगा 25 जा 10 और 27 जा 14। देखिए अगर आपको डिवाइड नहीं किया जाता, ऐसे कट नहीं होता, तो आप डिवाइड करके देख लिया कीजिए, 114 ये हो जाएगा 25 जा 10 और यहाँ से 1 और ये 4 एज इट इज़, तो ये हो जाएगा 27 जा 14, तो ये 57 आ गया, इसे हम यहाँ लिख देंगे। अब देखिए ये क्या होता है, 19 1 जा 19, 19 3 जा 57। अब आपको क्या करना है, 798 डिवाइड बाय 3, तो 798 को 3 से डिवाइड कर लीजिए, ये हो जाएगा 3, 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 1, 9, 3 6 जा 18 और ये हो जाएगा 1 और 8 यहाँ से ले लेंगे 18, तो ये हो जाएगा 3 6 जा 18, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, 266। तो देखिए आपको कैलकुलेशन, आपकी कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए आपको एक तो टेबल्स याद होनी चाहिए अच्छे से और मल्टीप्लिकेशन आप फटाफट कर सकें, तभी आप इन क्वेश्चनों को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये थी आज की हमारी वीडियो मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स पे जो हमने आज की। अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही अच्छे वीडियोस देखने के लिए, और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आप आने वाली हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। थैंक यू सो मच।